सबसे इजी रेसिपी जिसमें सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है पता है कौन सी है? नारियल की चटनी है। और उससे भी ज्यादा गड़बड़ पता है किसमें होती है? नारियल तोड़ने में है, क्योंकि ये जो है ना, ये बहुत पावन फ्रूट है और इसके पीछे बड़ी अमेजिंग साइंस है, ठीक है जी। लेकिन वो पावन फ्रूट और उसके पीछे की साइंस और चटनी की रेसिपी सब म्यूजिक के उस पार है। तो जी मिलते हैं म्यूजिक के उस पार। कॉलिंग एंड एक्शन। तो जी नमस्कार, मैं हूं रणवीर ब्रार। और कोकोनट चटनी बनाने के लिए आपको चाहिए कोकोनट। अब देखिए, कोकोनट को केरला में नारिकेल बोलते हैं और कहते हैं कि उसी से केरल का नाम केरल पड़ा है। नारिकेल मतलब पानी, वाटर का फल, पानी का फल, क्योंकि अक्सर कोकोनट जो है वो गिर जाता था और पानी में तैरता हुआ मिलता था। और ये कहा जाता है कि सिर्फ दो फ्रूट जो हैं वो पावन होते हैं, क्योंकि वो जूठन से नहीं उगते। हर फ्रूट दुनिया में अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी, जब कोई खाता है और बीज फेंकता है तब उगता है, लेकिन नारियल बगैर जूठा किए ही उगता है और केला तने से उगता है। यानी कि केला और नारियल दो ऐसे फ्रूट हैं जो प्रसाद का हिस्सा है, इसी कारण से हैं, क्योंकि ये कभी जूठन से नहीं उगते। इज नॉट ब्यूटिफुल। वो कई बार नारियल ऐसे आता है कि आँख कैसे ढूंढें, तो कुछ नहीं, आप एक फोर्क लें और कैसे फोर्क से इसको ऐसे कर लें। देखिए अभी ऑलरेडी पता चल रहा है कि ये सॉफ्ट वाला हिस्सा है और ये वो हिस्सा है जहाँ से नारियल का पेड़ बनता है। जो नरम वाला हिस्सा होता है वहाँ से नारियल जर्मिनेट करता है, उगता है। ये नारियल के अंदर का जर्म है, बीज है। तो अगर आप इस नारियल को ऐसे ही डाल देंगे तो यहाँ से नारियल का पेड़ निकल आएगा। बहुत साल लगेंगे उसको नारियल का पेड़ बनने में, लेकिन जो उसका जर्म वाला सॉफ्ट वाला साइड है वहाँ से आपको होल करके पानी निकालना है, अगर आप निकालना चाहें तो। ये जो त्रिनेत्र है, इसी वजह से नारियल को शिव जी का फ्रूट भी बोला जाता है। अब ये तीन नेत्र में आपको ढूंढनी है तीसरी आँख, ठीक है जी। अभी देखिए, आप अगर इसको दबाएंगे तो दो बहुत सख्त होंगे और एक दब जाएगा। देखिए ये दबा और जो दब जाएगा इसका मतलब वो जो है वो तीसरी आँख। ये देखिए, ये एक, ये दो, ये तीन। तो एक शॉर्टकट तो ये है कि आप इस तीसरी आँख के अंदर एक स्क्रू ड्राइवर डाल दें, है ना, और सारा जो इसका पानी है वो निकाल लें। ये देखिए कितना नरम है ये, और ये खुल गया नारियल। ये देखा आपने, तो ये तीसरी आंख का फंडा आप ये समझ लीजिए, एक दो तीन। तो जैसे शिव जी की तीसरी आंख खुलती है तो प्रलय आता है, बाढ़ आती है, और अगर नारियल की तीसरी आंख खुलती है तो पता ना क्या आता है, पानी आता है। ये देखिए, तो ये तो हो गया जी एक क्विक शॉर्टकट, नारियल पानी, उन लोगों के लिए जो हमेशा बोलते हैं अरे यार जब तक मेरा नारियल टूटा तो नारियल पानी तो सारा बह गया बाहर। अब नहीं बहेगा जी, क्यों? क्योंकि आपको त्रिनेत्र का फंडा पता है, तीसरी आंख का। इजी, नो रॉकेट साइंस। अब देखिए, अब इस नारियल में से तीन आंखें हैं, वैसे ये तीन लाइनें, ये देखिए लाइन नंबर एक, लाइन नंबर दो और लाइन नंबर तीन। अब आपको क्या करना है कि इस लाइन के ऊपर कुछ मारना है, चाहे तो सिलवट्टा मारिए, चाहे तो बड़ी नाइफ को पीछे से ठोक के मारिए। हम सारे शेफ लोग जो हैं हमको बड़ी नाइफ वाली आदत पड़ी हुई है। अब आपको इस लाइन के ऊपर एक मारना है ऐसे, ठीक है, और धीरे धीरे टैप करना। इसमें क्या है ना, ये लाइन में यूं समझ लीजिए कि नारियल के फल का जोड़ होता है, जॉइंट होता है। तो यहाँ से नारियल जो है वो बराबर टूटता है, बीच बीच में मारते रहेंगे तो नारियल बिल्कुल बीच से टूटेगा। ये देखिए हो गया जी, बिल्कुल हाफ एंड हाफ। धीरे धीरे अगर आप टैप करते रहेंगे तो ये अपने आप इसको छोड़ता रहेगा। ये जो नारियल है ये इसलिए छूट रहा है बिकॉज इसकी उम्र थोड़ी ज़्यादा हो गई, हमारी चटनी के काम आ जाएगा, बट ये बीच से नहीं कटेगा। तो नारियल को कभी भी आप ऐसे हिलाएंगे, अगर नारियल हल्का सा बजता हुआ दिखे या आप ऐसे उसको
मारें और तुम्हें आवाज़ आएगी, इसका मतलब नारियल की स्किन जो है वो छोड़ चुकी है, नारियल की उम्र थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है जी। तो वो जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है। चटनी बन जाएगी इसकी, उतनी अच्छी नहीं बनेगी, ठीक है। नारियल को छीलने के बड़े सारे तरीके हैं, ठीक है जी। एक तरीका ये है कि आप लीजिए पेचकस और नारियल स्क्रेपर और लगे रहिए। दूसरा एक थोड़ा शॉर्टकट है पंजाबी स्टाइल, वो ये कि नारियल का छिलका गर्म कर लीजिए, पूरे साबुत नारियल को भी पानी निकाल के, साइड से पानी निकाल के आप ओवन में रख सकते हैं। अगर आप उसको ओवन में रख देंगे 15 मिनट तो भी उसका छिलका जो है वो नारियल छोड़ देगा, या फिर नारियल को क्रैक करके ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अब लोग इसमें भी अक्सर उलझते हैं जी, तो ये बहुत ही सिंपल है। अच्छा पीलर लेना है और नाइफ की ज़रूरत नहीं है जी कोकोनट छीलने के लिए। बट कोकोनट चटनी बनाने के लिए छिलका मत इस्तेमाल करिए, छिलके से कोकोनट चटनी का टेस्ट टेक्सचर सब खराब हो जाता है। डन। अभी बहुत किस्म से बनती है कोकोनट चटनी। जो रेसिपी मैंने सीखी है अपने टाइम में, उसमें नारियल जाएगा, ठीक है जी। एक नारियल में अगर तीखी नहीं है तो तीन, तीखी है तो सिर्फ दो हरी मिर्च। मिर्च की चटनी नहीं बनानी, नारियल की चटनी बनानी है। थोड़ा जीरा, जीरे और नारियल का कॉम्बिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी जो है चटनी, कोकोनट चटनी का जो पानी है वो सोक करने के लिए डालते हैं थोड़ा काजू भी और थोड़ी दाल भी। तो भुने चने की दाल डालते हैं कुछ लोग काजू डालते हैं, मैं दोनों मिला के डालता हूँ। दाल जो है वो रूखी होती है और काजू जो है वो रिच होता है, सो जस्ट बैलेंसेज इट आउट। मैं कहूँगा कि ये शॉर्टकट है। अगर अच्छा नारियल होगा ना, केरल का नारियल, ताज़ा नारियल, एकदम ताज़ा ताज़ा नारियल अगर होगा तो उसमें आपको दाल वाल कुछ नहीं है, नारियल में ही इतना सॉफ्टनेस होगा कि नारियल अपने आप गाढ़ा हो जाएगा। लेकिन अगर नारियल दक्षिण से चल के उत्तर पहुँचा है तो बहुत पुराना हो चुका है, उसमें आपको पानी ऐड करना पड़ेगा। जब आप पानी ऐड करेंगे तो नारियल अलग और पानी अलग होने के चांसेस हैं। उसको बांधने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल है इस काजू का और दाल का। बट टिपिकली इफ़ यू आस्क मी, कायदे से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ नारियल, मिर्च, थोड़ा सा जिंजर अगर चाहिए तो चाहिए, और बाद में उसको तड़का लगाना, और हाँ क्यूमिन तो चाहिए ना। फिर ये लीजिए सॉल्ट, और ये जाएगा मिक्सी में पिसने थोड़ा पानी डाल के। और ये नारियल जैसे ही ठंडा होगा इसका मैजिक मैं आपको दिखा दूंगा, फिलहाल तड़का दिखा देता हूँ। करी पत्ता, चना, गोटा उड़द, लाल मिर्च। अच्छा खटास के लिए आंध्रा में जैसे इमली डाली जाती है, कई जगह पे लेमन डाला जाता है, थोड़ी सी खटास अच्छी होती है। मैं यहाँ पे लेमन जूस ऐड करूँगा, बट अगर इमली सोख करी हुई है थोड़ी इमली डाल दीजिए खटास के लिए। केरल में कई जगह बिम्बली डाल देते हैं, बिम्बली जो है एक लंबा सा स्टेम फ्रूट होता है, इमली कच्ची इमली जैसा टेस्ट होता है, कई जगह थोड़ा सा वो डाल देते हैं। हल्की सी खटास ऐड करना ज़रूरी है, ओनली टू फिनिश, ठीक है जी, पहले नहीं ऐड करेंगे। अभी कोकोनट ऑयल या रेगुलर ऑयल, अभी तड़का बन रहा है जी, जैसे ही चटनी हमारी पिस के रेडी हो जाएगी उसके ऊपर जाएगा तड़का। मेरे लिए नारियल की चटनी या नारियल जो है सिर्फ फल नहीं है, है ना, और वो स्टोरी आई कैन नेवर फॉरगेट। एक तरफ शिव से जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ विष्णु से जुड़ा हुआ है, लक्ष्मी जी का फल कहते हैं, श्रीफल कहते हैं नारियल को, और ये कहते हैं कि जब विष्णु जी पृथ्वी पे आए तो वो कामधेनु और नारियल लेके आए, सो इट्स अ गिफ्ट टू द गॉडेस लक्ष्मी। फैसिनेटिंग, मतलब एक फल जो है कैसे शिव और विष्णु दोनों को जोड़ता है, इट्स ब्यूटिफुल। और नारियल चटनी बनाते समय जो नारियल पानी निकलता है ना, वो नारियल पानी डालें, अगर उसको पतला करना है वही नारियल पानी डालें, दैट्स द बेस्ट कॉम्बिनेशन। वो मिठास जो आती है नारियल पानी की, ओए तेल गरम, राई, मेथी, चना, गोटा उड़द और मिर्च, उसके बाद कड़ी पत्ता, मेथी को काला कर लेना है, बाकी दालों को ब्राउन कर लेना है, गैस बंद, डन। ब्यूटिफुल। इसमें जो मज़ा है वो जीरा है, थोड़ा सा जो जीरा गया ना। और बहुत किस्म से बनती है नारियल की चटनी, कई जगह थोड़ा प्याज डालते हैं, छोटा वाला वो जो मद्रास अनियन होता है ना वो डालते हैं, कई जगह पे
कच्चा आम डालते हैं खटास के लिए, कई जगह इमली डालते हैं, कई जगह नींबू, कई जगह सिर्फ प्याज मिर्च और नारियल डालते हैं, छोटा वाला सांबर अनियन। बट छिलका निकालना इम्पॉर्टेंट है, हाँ, और पीलर से निकालिए, मेहनत बचेगी। थोड़ा तड़का चटनी के अंदर और थोड़ा मैं गार्निश के लिए रख लेता हूँ। प्लेटिंग के लिए प्लेट, ये ये तो थोड़ा नॉर्थ इंडियन स्टाइल की चटनी हो गई, थोड़ी गाढ़ी है। अगर दक्षिण भारत में बनती तो और पतली होती है। नारियल पानी जितना भी निकलता है सारा डाल दीजिए उसके अंदर। और अब तड़का, ये लो जी, एज सिंपल एज दिस। और आप इसको आराम से देखो, उसके बाद फिर मैं आपको ये वाले नारियल के जादू दिखाता हूँ। हल्का सा रोस्ट किया मैंने, हल्का सा रोस्ट करके ठंडा किया। आप ज़्यादा रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा रोस्ट करने के साथ ये समझ लीजिए कि नारियल का तेल छूट जाएगा, नारियल की चटनी जो है ना उसमें रेशे रेशे आएंगे, इसलिए कम रोस्ट करें। और नाइफ से हाथ नहीं कटेगा, इसलिए चम्मच की बैक साइड इस्तेमाल करते हुए निकाल लें। ये वो हिस्सा जो आग के पास था, ये वो हिस्सा जो आग से दूर था, यहाँ पर ही फर्क देख लीजिए, ये देखिए। ठीक है जी, डन, ईजी, नो रॉकेट साइंस। चटनी भी सीख ली, नारियल से दोस्ती भी हो गई, भगवान को भी याद कर लिया, है ना। अब आप याद से चटनी बनाइएगा और याद से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वरना नारियल तोड़ना भूल जाएंगे आप। डिटेल्ड रेसिपी बारीकियों के साथ, इंस्ट्रक्शंस के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, प्लीज़ चेक इट आउट।